ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के प्रांगण से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर लंबे काल से हम योग प्राणायाम के द्वारा कैसे समाज को, परिवार को, व्यक्ति को स्वस्थ कर सकें, इस मिशन को लगातार मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों का सहयोग, सभी लोगों की भागीदारी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो रही है, इसमें हर आयु वर्ग के लोग बैठे हैं, छोटी बच्ची है, थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, उसके बाद और बड़े लोग हैं, फिर माता जी भी हैं, करते रहे, यानी एक साथ एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियों को योग के द्वारा उन्हें सिंचित किया जा रहा है। और वे अपने जीवन काल में, क्योंकि जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को, चाहे वो अच्छा हो या खराब, जब जीवन में धारण कर लेता है तो उसी चीज़ का वो प्रचार प्रसार करने लगता है। एक व्यक्ति यदि कोई खैनी खा रहा है तो पूरे जीवन काल में 150 लोगों को खैनी खाने वाला सिखा देता है, खैनीबाज बना देता है। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 100 लोगों को तो जरूर शराब पिलाना सिखा ही देता होगा। तो हम योगी हैं, हम राम और कृष्ण के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, हम लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती के वंशज हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम योग के मानने वाले हैं, तो हम योग को लगातार करेंगे, पैरों को फैला लेंगे। अभी चक्की आसन का अभ्यास चल रहा था, पहले स्टेप में दोनों पैरों को सटा के किया जा रहा था, अभी दोनों पैरों को फैला करके हम लगातार करते रहेंगे, करते रहे लगातार, सांस को छोड़ते हुए करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। लाभ के तौर पर पूरे पेट, यानी पेट के एरिए का जो फैट है वो धीरे धीरे गलता हुआ, कम होता हुआ, टूटता हुआ आप फील करेंगे, महसूस करेंगे।